लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है आसमाज, चांद रात है, कल ईद है, ईद के घर में रौनक होनी चाहिए। क्या है ये सब भैया? परदेश में काहे की ईद? अरे हम परदेश में ही अपने देश जैसा मजा उठाएंगे, धूमधाम से ईद मनाएंगे। अरे रोमी है ना भैया आप? धर्म के बारे में सोच रहे हो? अरे धर्म वर्म से कुछ नहीं होता, आखिर हम सब हैं तो हिंदुस्तानी ही ना। हिंदुस्तान में हम लोग हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। अब तुम देखना, लंदन में भी ऐसी ईद मनाऊंगा बिल्कुल वैसी हाँ, जैसे बम्बई के भिंडी बाजार में और दिल्ली के चांदनी चौक में मनाते हैं। Excuse me, I came from India. 2 weeks, I lost my friend Romy bhai. 2 weeks, I have not eaten. Help me, That's please. That's very sad. Here, take this burger. I tell you what, you go to the Indian embassy and they'll send you back to India, okay? Arre, thank you very much. God bless. Arre wah, muh kala hai, dil kitna gora hai. Indian embassy jaun, main kabhi socha bhi nahi. Arre wah, kitne dinon ke baad khana dekha. Excuse me, Indian? Yes, Indian. आप हिंदुस्तानी हैं? या अरे वाह, बड़ी खुशी हुई, कितने दिनों के बाद हिंदुस्तानी दिखा। ये इंडियन एम्बेसी क्या है? क्या है? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, संता सिंह के चक्कर में बर्बाद होके रह गया हूँ। संता सिंह? हाँ। दिल्ली वाला? हाँ। तू उसका दोस्त है? बिल्कुल। अरे उसने तो मुझसे भी उधार लिया था। हाँ? उस दिन मैं लेट हो गया था, मेरा उधार तो बाकी है। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। तो ये क्या है? ये बर्गर है, चल यही दे। क्या करता है, मैं 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया। ए भाई ग्रैंडपा, टीवी से -4 डिग्री टेम्परेचर, वेरी कोल्ड। चुपचाप जाओ, रोमी को मेरे पास ले आ। अरे आ आ, बैठ बैठ बैठ। आज तो इतने ठंडे बैठे, हम लंदन में रहने वालों की ये हाल है तो तेरा क्या होगा। ले ले ले, दारू? नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीता। ये दारू नहीं है, लंदन में इसे दवा कहते हैं। पी ले, घर में आ जाएगी। ले पी ले, पी ले। अबे चढ़ गए तो संभाल लेना। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अरे ये रोमी अचानक कहाँ चला गया? दादे क्या दवाई पिलाया तूने? तेरी दवाई पी के मैं टाइट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बहुत मजा आ रहा है सचमुच, और बहुत सालों के बाद किसी अपने के साथ पी, विक्रम सिंह के पोते के साथ, हैं? प्रताप सिंह के बेटे के साथ। ए, प्रताप सिंह कौन है? प्रताप सिंह वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, तेरा बाप। मेरा बाप? मेरा बाप तो बाबूलाल था, वो बस ड्राइवर था। वो एक दिन ना ब्रेक के जगह उसने एक्सीलेटर दबा दिया, बहुत गियर में मर गया। वो अनाथ हो गया। तू अनाथ हो गया? तू नहीं नहीं ऐसा मत बोल। नहीं, तू कैसे अनाथ हो सकता? मैं हूं ना तेरा, मैं हूं ना तेरा, मेरे होते तू कैसे अनाथ? मैं हूं ना सबका, आई एम देयर, हेड ऑफ द फैमिली, आई एम देयर। जज्जू तू बहुत अच्छा आदमी है, जज्जू तू बहुत अच्छा आदमी है। जज्जू मैं तेरे को आज सीक्रेट बोलेगा प्राइवेटली, हट जज्जू। ये लोग है ना, ये लोग मेरे को किराए पे लाए इधर। Oh, you mean on hire? सच कहा तुमने, ये दुनिया एक सराया है और हम सब यहाँ किराएदार हैं, ऐसा दद्दू कहा करते हैं, है ना दद्दू? तो फिर दादे इसको पूछो कि मेरे को 5 लाख रुपया मेहनताना देने का वादा क्यों किया? मेहनत का फल देने वाली ये कौन होती है बेटे? वो है ऊपर वाला। दादे हम सब यहाँ नाटक कर रहे हैं, नाटक। Correct. Even Shakespeare ये बोली कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब लोग उसका कार है। कार नहीं, हाहाकार, कलाकार, एक्टर्स ऑन द स्टेज। दादे दादे ये ढक्कन को छोड़ ना, दे तू मेरी बात सुना, चुप। दादे तू है ना मेरी बात होश में भी नहीं समझता, बेवड़े में नहीं समझता। दादे मैं ना एक नंबर का कमी ना। ये तो तेरा बड़प्पन है, वरना तेरे जैसा नेक बच्चा मैंने देखा नहीं। चलिए कमीने जी, बहुत हो गया। दादे मेरी बात सुन। दादे आई एम कमीना। दादा जी आपको गुड नाइट बोलती, गुड नाइट बोलती, गुड नाइट, नाइट। बच गया। अगर ये ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता तो ग्रैंडपा मेरी
जान मार देता। अंधा है, कुछ मार देता हूं। मारा? ये अंधा नहीं है, he is not blind। रोमी, उठो रोमी, दादू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अस्मा, ये दादू को क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तुम इनसे कह देना कि मुझसे बात करे, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी। रोमी, रोमी, तुम बोलो ना दद्दू को मुझसे बात करने के लिए, वो तुम्हारी बात हमेशा मानते हैं ना रोमी? प्लीज बोलो रोमी, प्लीज। झूठ बोलता है तू, हेड ऑफ द फैमिली। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तू अनाथ कैसे हो सकता? यही बोला था ना मेरे को? धोखा दे रहा है तू मुझे, धोखा। देखता थे, मैं एक बार अनाथ हो चुका हूं, मैं तुम्हारा अनाथ नहीं होना चाहता दादे। बस कर दादे, दादे उठ जाता थे, प्लीज दादे उठ जाता थे। दादे, उठ। थैंक यू गॉड। गुड मॉर्निंग मिस लंडन। ये लीजिए, चाय पीजिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। चुपचाप से पी लो, नहीं तो। थैंक्स। एक कप चाय के लिए इतना बड़ा थैंक्स? थैंक्स चाय के लिए नहीं, तद्दू की जिंदगी बचाने के लिए। मिस लंडन, आप चाहें तो अपने रूम में जाके सो सकती हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं, जब तक दद्दू ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं बैठूंगी। दादे, चल दवाई खा ले। अरे नहीं। अरे मालूम है कड़वी है, मधुबाला की फोटो देख, मीठी लगेगी। आज दद्दू ने खुद दवा खाई है, ये देख। अरे वाह बेटे, अब तो जीने को दिल करता है। अब तो जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही मैं करूंगा। मन भी कैसा बावरा है, इसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी ख्वाहिश जाग उठती है। तमन्ना थी कि निकी के पति को एक नजर देख लू, अब दूसरी ख्वाहिश जाग उठी कि बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए, निकी की गोद हरी भरी हो और नन्ने मुन्ने बच्चों की किलकारियों से सारा घर गूंज उठे। बस यही तमन्ना है। दादे, आपकी बातों में तो एक बात भूली हमें, आपकी नजर उतारना, ताकि आप कभी बीमार ना पड़े और दिलीप कुमार देवरानी की तरह एवरग्रीन रहे। ये मैं गरीब में बांट के आता हूँ। रोमी, तुम हमको चला चला के टायर्ड कर दिया। हम तुमको बोला नहीं तो लंदन में नो फकीर। चुप भिखारी। तुम हमको भिखारी बोला। अबे भिखारी बोल के तेरा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाहता। You want to know my standard? ये देख, भिखारी। हालत देख यार उसकी। अरे रे 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 रे।
बाबा, ओ बाबा। ये तो मेरे रोमी भाई की आवाज है। रोमी भाई। कौन बोला? रोमी भाई। कौन बोला? इस सड़ा हुआ बैगर तुम्हारा नाम कैसे जानता? हाउ तो टोपी साहब। अरे ये भिखारी नहीं है, ये तो लंदन के बहुत बड़े आदमी हैं। अरे नहीं नहीं। अरे आधा लंदन तो इनके दोस्त का है, संता सिंह या? अरे नहीं बाबा। सॉरी यहाँ, मेरे ख्याल से हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे क्यों? ये पार्क भी शायद आप ही का होगा। और वो जो गाड़ियों की लाइन थी, वो कौन सी गाड़ियाँ थी? वो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और बहुत सारी गाड़ियाँ थी ना, उनकी जो लाइन हुआ करती थी, वो कहाँ है? हाँ, आपका पैलेस कहाँ है? वो पैलेस नहीं दिखाई दे रहा है, कांच का होगा, सी थ्रू। हाँ, अरे सी थ्रू से याद आया, वो हीथ्रो एयरपोर्ट का क्या हुआ? उसका नाम चेंज कर दिया, हैट मास्टर एयरपोर्ट रख दिया। बस भीगो भीगो का जूते मत मार दोस्त, तुझसे बिछड़कर मैं दर बदर हो गया, भूखा भिखारी हो गया। मैंने एक ही सबक सीखा कि झूठे सपने की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ और सच्चे यार की यारी एक तरफ। चल ठीक है टोपी। अच्छा बता, तेरी हालत हुई कैसे? टोपी, हम दोनों की जिंदगी में एक एक शख्स आए, तेरी जिंदगी में संता सिंह और मेरी जिंदगी में निकी। एक बात बताऊं, जब दद्दू बीमार पड़े थे ना, तो उनकी सेवा करते करते मैं निकी को चाहने लगा हूं। तूने ये बात निकी को बताई? अरे नहीं यार, हिम्मत नहीं होती। कहीं उसने इनकार कर दिया तो? और अगर उसने हाँ कर दिया तो? एक बात कहूं रोमी, दिल की बात को दिल में नहीं रखना चाहिए, वरना वो दर्द दिल बन जाती है। और इससे पहले कि वो दर्द दिल बने, तू जा उससे कह दे कि तू उससे प्यार करता है। आई लव यू। अरे रोमी, तुम? मैं? हाँ मैं। आप यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ पिज्जा खाने आई हूँ। तो खाइए ना, खाइए। चलो। आई लव यू, आई लव यू। शिट। बैठिए ना। हाँ? मैं तो बैठी हूँ। मैं बैठ जाता हूँ। खाओगे? भूख नहीं है। क्या हुआ? क्या होगा? कुछ नहीं, मेरा क्या होगा? क्या हुआ? रख रख। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। जहां देखता हूँ तुम ही तुम नजर आती हो, सोता हो तो तुम नजर आती हो, जागता हो तो तुम नजर आती हो, खाना खाता हो तो प्लेट में नजर आती हो, पानी पीता हो तो ग्लास में नजर आती हो। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुमसे। आई लव यू निक्की, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। यस यस यस, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। यस यस यस, बोल दिया।